तो आप सोचेंगे कि यार इतना बढ़िया केस बनाया है, लगता है बप्पी लहरी के कैबिनेट से चुरा के लेकर आए हैं। मना है जीना नहीं श्रृंखला में पांचवा एपिसोड, पांचवा एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं आप? चलिए आज हम बात करेंगे हमारे कैबिनेट के चांद और सूरज के बारे में। चांद और सूरज क्यों? क्योंकि ये जो बॉटल्स हैं हमारे कैबिनेट में चमकते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो सारी बॉटलें इनके छत्रो छाया में समा जाती हैं। ये जो बॉटल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं केस दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को इसका केस ज़्यादा पसंद है। ये जो केस है ये ना आपकी अमिताभ बच्चन की दीवार है या ना हम आपके हैं कौन दीदी के देवर हैं, क्योंकि ये जो है ये है ड्यूहास की ब्लेंडेड स्कॉच का केस। अगर आपको कोई भी बोले कि दीवार है या देवर है तो एक कान के नीचे उसको दे दीजिएगा पक्का से मेरी तरफ से। तो ये जो केस है ये है मोनार्क ब्लेंडेड विस्की का 15 ईयर, अप टू 15 ईयर एज विस्की है इसके अंदर, जो कि आती है हमारे शेरी एंड बॉर्बन कास्क में और उसके बाद उसको विंटेज ओक कास्क में विवाह करवाया जाता है। ये केस मुझे क्यों पसंद है? पहली बात, मैं काफ़ी अपने शो में बोलता हूँ, वीडियोस में बोलता हूँ कि अरे मुझे इसका केस पसंद नहीं आया। वो क्यों मैं बोलता हूँ? क्योंकि ज़्यादातर जो केस बनता है वो केस बनता है कार्डबोर्ड का, वो भी कभी कभी तो सस्ते कार्डबोर्ड का। इसका केस का साउंड सुनिए, देखा टिन का केस है, बहुत ही सुंदर केस बनाया है बनाने वाले ने। और जो इसका डिज़ाइन है वो एकदम एम्बोस्ड है, 3D सा इफेक्ट आता है, अलग अलग जगह पे 15 15 करके लिखा हुआ है। ये जो लोग हैं ये रॉयल्टी को अपनी अल्कोहल भेजते हैं पिछले 100 साल से, बेचते हैं मैं बोलने वाला था बट वो गलत हो जाएगा, रॉयल्टी थोड़ा पैसे देती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो केस है मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसके अंदर की हम बॉटल देखेंगे, बॉटल उतनी शानदार नहीं है जितनी की केस है, शायद और भी बॉटल पे काम किया जा सकता था, बट ठीक है, बुरी नहीं है बट उतनी भी कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सूरत के तरफ से जाएंगे चांद की ओर, मोनार्क की तरफ से जाएंगे एक और एम्परर की तरफ। बट हम किसके बारे में बात करेंगे आज? हम आपको दिखाएंगे ग्रापा। ग्रापा होती है एक अलग तरह की अल्कोहल जो बनती है रेसिड्यू ग्रेप से, जिसकी वाइन ऑलरेडी बन चुकी होती है, कोई भी ऐसे वैसे रेसिड्यू नहीं। बिटवीन 24 आवर्स टू 48 आवर्स का जो ग्रेप का रेसिड्यू होता है, ग्रेप का स्किन होता है, स्टॉक होता है, उसको लेके डिस्टिल करके ग्रापा बनती है। एक डाइजेस्टिव की तरह इसको यूज भी किया जाता है, बहुत बढ़िया कॉकटेल भी बनती है। इतना हो रहा है कि जिन एंड टॉनिक बदल रहा है, जिन एंड ग्रापा आ रहा है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर पीजिएगा। तो बॉटस पाग इटली से हम आपको दिखाएंगे, पहले केस दिखाएंगे उसके बाद बॉटल दिखाएंगे। केस देखिए, केस में उतना मजा नहीं है जितना यहां पर बॉटल का केस में मजा था, बॉटल में मजा नहीं था, यहां पर बॉटल में मजा है केस में नहीं। अलेक्सेंडर द ग्रेट हमारे जो एम्परर थे उनके नाम पे, इंडिया में भी अशोका द ग्रेट रह चुके हैं, शायद कभी उनके नाम पे भी कोई बॉटल निकलेगी, इंतजार करते हैं। बट आज देखेंगे अलेक्सेंडर की बॉटल। तो हमारे गोल्डन गोल्डन केस को टक्कर देने के लिए आया है प्लैटिनम बॉटल अलेक्सेंडर की। सो किटन थोड़ा अंदर लीजिए इसको, ये बॉटल बहुत सुंदर है, इटली रीजन से आती है, कैसा लगा? तो इसको पीने को, ग्रापा को पीने के लिए इसका एक स्पेसिफिक ग्लास आता है जो मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेटली मेरे पास कहाँ गया रे, मेरे पास इसका शॉट ग्लास है जो कि काफ़ी सुंदर है, इसको भी हम यूज़ करते हैं ग्रापा पीने के लिए। तो एक काम करते हैं, जो शानदार शानदार चीज़ें हैं उनको रखते हैं टेबल पे और जो उतनी शानदार नहीं है उनको थोड़ा नीचे कर देते हैं, और साथ में देखते हैं हमारे सूरज और चांद को, दी गोल्ड एंड दी प्लैटिनम ऑफ माय कैबिनेट। ऐसा ये शो आपको अगर ऐसे और एपिसोड चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके पास आपके चांद और सूरज कौन है।